तुम गलत सोच रहे हो, मैं बिल्कुल लालची नहीं हूँ। मैं खुशी से अपनी कैंडी शेयर कर सकती हूँ। पर क्या तुम्हें पता है लिटिल टेलर के साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें बताती हूँ। The Valiant Little Tailor। दूर दराज के एक शहर में रहता था एक लिटिल टेलर। उसे मीठा खाना पसंद था, जैसे शहद और जैम, और उस मीठे के पीछे आती शहर भर की सारी मक्खियाँ। वो लिटिल टेलर उन मक्खियों को भगाता नहीं था, इसीलिए उन मक्खियों को लगने लगा कि वो जो चाहे वो कर सकती है। एक बार रात में वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जाकर वहाँ रखे सभी चॉकलेट ग्लेज्ड क्रीम पफ्स चेक कर गईं। अब ये बात लिटिल टेलर की बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसने टेबल पर रखे हुए टॉवल को उठाया और पूरी ताकत से उस मक्खियों पर दे मारा। सारी मक्खियाँ वहाँ से चली गई उसी वक्त। गुस्साए हुए टेलर ने रेफ्रिजरेटर पर एक बड़ी चेन लगाई और उस पर ताला लगा दिया, और फिर उसने अपनी टी शर्ट पर एक डरावनी चेतावनी लिखी। मुझ में है ताकत, मैं नहीं डरूंगा, मैं एक साथ सात सात से लड़ूंगा। फिर वो बेकरी पर गया और उसने अपने लिए कुछ ताजे चॉकलेट ग्लेज्ड क्रीम पफ्स खरीदे और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। लिटिल टेलर रास्ते पर चले जा रहा था अपनी पेस्ट्री का मजा लेते हुए, तभी बूम, वो मिला एक जायंट से। जायंट ने लिटिल टेलर की टी शर्ट पर लिखी हुई बात पढ़ी और उसे बहुत ताज्जुब हुआ। क्या मतलब है तुम एक साथ सात सात से लड़ोगे? जायंट को बड़ा अजीब लगा और इसलिए उसने लिटिल टेलर से कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो चलो मुकाबला करके देख ले कौन ताकतवर है। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक जायंट सीक्रेट, पर अगर मैं ज्यादा ताकतवर हुआ तो तुम आ जाओगे जायंट मुसीबत में। जायंट ने आसपास देखा और उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और उसके दो टुकड़े कर दिए। लिटिल टेलर इतना चौक पड़ा कि उसने गिरा दिया अपना आखिरी क्रीम पफ। देखा ना मैं कितना ताकतवर हूँ, जायंट ने कहा, अब तुम्हारी बारी है लिटिल टेलर। लिटिल टेलर जानता था उसे क्या करना है। उसने अपना नीचे गिरा हुआ क्रीम पफ उठाया, उसने उसे ऐसे उठाया जैसे कि वो एक पत्थर हो, और उसे इतनी जोर से मसला कि उसमें से क्रीम बाहर निकलकर जायंट की नाक पर लग गई। वो जायंट चौंक पड़ा। उसने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा था जो एक पत्थर में से क्रीम निकाल सकता था। उसने सोचा ये सच में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है और इसका कोई मुकाबला नहीं। तो अब जायंट को लिटिल टेलर को एक बहुत ही डरावना जायंट सीक्रेट बताना पड़ा। एक ऊंची पहाड़ी पर एक 10 लाख साल पुराना पेड़, अगर तुम उस पेड़ पर चढ़ोगे तो तुम्हें उसमें एक गहरा छेद बना हुआ मिलेगा, और इस गहरे और अंधेरे छेद के टेल में है एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर, और वो रेफ्रिजरेटर भरा पड़ा है आइसक्रीम, क्रीम पफ्स, चॉकलेट केक्स और कुकीज से। पर कोई है जो इस खजाने पर पहरा देता है, एक डॉग जिसकी आंखें साइकिल के पहियों जितनी बड़ी हैं, और वो किसी को भी उस खाने के आसपास भटकने नहीं देता। पर तुम उस डॉग से डरना नहीं, जायंट ने लिटिल टेलर से कहा, उसे पकड़ना और फिर मेरे एप्रन पर रख देना, ऐसा करते ही वो डॉग शांत हो जाएगा। फिर तुम बिना डरे उस रेफ्रिजरेटर को खोलकर उसमें रखे खाने का जी भर के मजा लेना। लिटिल टेलर को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो मीठा खा पाएगा, और वो भी बिना पैसे दिए। और फिर उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वो उस छेद तक पहुंचा और उसने अंदर झांका। अंदर सब वैसा ही था जैसा जायंट ने कहा था। वहाँ एक रेफ्रिजरेटर था और एक बड़ी आँखों वाला डॉग भी। इससे पहले कि डॉग को कुछ करने का मौका मिलता, उसने खुद को एप्रन पर पाया। वो वही बैठा रहा और आंसू भरी आंखों से लिटिल टेलर को अपने खजाने का मजा लेते हुए देखता रहा। और लिटिल टेलर तो एक के बाद एक सब खाए ही जा रहा था। वो रेफ्रिजरेटर के अंदर चला गया और डॉग को बस उसके खाने और चबाने की आवाजें आती रही। लिटिल टेलर सारी मीठी चीजें खा गया और उसने एक टुकड़ा भी नहीं बचाया।
मुस्कुराते हुए उसने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद किया और फिर छेद के पास गया। पर बाहर निकलते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसका भरा हुआ पेट उसे रोक रहा है। लिटिल टेलर इतना मोटा हो गया था कि ना वो बाहर निकल पाया ना ही वापस अंदर जा पाया। वो बस छेद में फंस गया था। उसे ऐसे ही छेद में फंसे रहना पड़ा जब तक उसका वजन कम नहीं हुआ और सभी उस पर हंसते रहे। मैं यही तो बताना चाहती हूँ, इतना मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती। इतनी सारी मीठी चीजें हमें बना देती है गोलू मोलू। मैं अपने सब्जियों के बगीचे को पानी क्यों दे रही हूँ? वो इसलिए मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, ताकि मेरी मनपसंद गाजर जल्दी से उग जाए। अपने बगीचे में उगी हुई सब्जियाँ बच्चों की सेहत के लिए ज्यादा अच्छी होती हैं। और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जो अच्छा और सही खाना खाने के बारे में है। ये कहानी है एक सिपाही की जिसे छुट्टी मिली थी और वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। एक्स पोरेज। उस लंबे सफर ने उसे थका दिया था और सच कहूँ तो उसे थकान से ज्यादा भूख लगी थी। सिपाही ने आसपास देखा और उसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो मुर्गी के पैरों पर खड़ा था। कभी कभी तो सिर्फ एक ही पैर पर खड़ा हो रहा था। घर के अंदर थी एक बूढ़ी औरत जिसने सिपाही को देखा और किसी वजह से उसे सूंघा भी। हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा, एक सिपाही, मुझे लगा ही था मैंने एक जवान को सूंघा है। अंदर आ जाओ बेटा, खाना तैयार है। सिपाही बहुत खुश हो गया। ये हुई ना कुछ बात, यही है बिल्कुल सही तरीका। पहले आप मुझे खाना दो और फिर एक ड्रिंक। अगर आपसे ऐसा नहीं होगा तो आप एक सिपाही को लड़ने नहीं भेज सकते। घर ने अपना पिछला दरवाजा जंगल की ओर किया और आगे का दरवाजा सिपाही की ओर। सिपाही ने अंदर पांव रखा और उसके पैर वहीं पर जम गए। अरे बाप रे बाप, ये मैं कहाँ आ गया? आखिर ये किस तरह की जगह है? ये कोई मामूली घर नहीं है और ना ही ये कोई मामूली बूढ़ी औरत है। ये तो बूढ़ी विच है जिसका एक पांव लकड़ी का है। ये अच्छी बात नहीं है। और बूढ़ी विच ने उससे कहा, तुम शर्माओ मत प्यारे सिपाही, इस फावड़े पर बैठो, मेरे अवन के अंदर जाओ और जरा अपना सिर संभाल कर, और प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें जल्दी से भून दूंगी क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? सिपाही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? बूढ़ी विच ने सिपाही से पूछा। आपने कहा कि आपके पास घर में खाने को कुछ नहीं है, पर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ मुझे बेंच के नीचे एक कुल्हाड़ी दिख रही है, क्या आप इस कुल्हाड़ी के बारे में भूल गयी? सिपाही ने कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो सिपाही? बूढ़ी विच ने गुस्से से कहा। कुल्हाड़ी खाने की चीज नहीं होती। बहुत हुई तुम्हारी बेकार की बातें, अब चलो जाओ अवन के अंदर। पर सिपाही ने बूढ़ी विच की बात नहीं मानी। आपको तो कुछ भी पता नहीं है, आप जल्दी से एक बड़ा सा बर्तन ले आइए और बताइए मुझे ताज़ा पानी कहाँ पर मिलेगा। मैं आपको दलिया बनाकर दिखाऊंगा इस कुल्हाड़ी से। दलिया खाना बहुत ही अच्छा होता है, वो जंक फूड की तरह गंदा नहीं होता। ताज़ा खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। बूढ़ी विच ने एक पल के लिए सोचा, ठीक है सिपाही, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं और देखते हैं तुम क्या खास कर लेते हो। और फिर सिपाही ने कुल्हाड़ी को उबालना शुरू किया। वो उसे कुछ देर तक उबालता रहा और चम्मच से पानी को हिलाता रहा। बूढ़ी विच को सिपाही का बनाया हुआ कुल्हाड़ी का दलिया चखना था। तो क्या हो रहा है, क्या कुल्हाड़ी अच्छी तरह पक गई है? सिपाही ने उसे चखा और कहा, इसमें किसी चीज की तो कमी है, शायद हमें इसमें नमक डालना चाहिए। बूढ़ी विच नमक ले आई। सिपाही ने एक चुटकी नमक पानी में डाला, फिर उसे चख कर कहा, ये कितना टेस्टी है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। बूढ़ी विच ने अपने पैरों पर उछलते हुए कहा, आपको चाहिए? अफसोस, ये दो लोगों के लिए काफी नहीं है, कुल्हाड़ी बहुत ही छोटी थी, ये मुझे ही कम पड़ेगा। हो सकता है आपके पास यहाँ पर कहीं एक और कुल्हाड़ी पड़ी हो? नहीं, वो तो नहीं है, बूढ़ी विच ने चिढ़ कर कहा। मेरे पास ये चेनसॉ है, शायद इससे कोई बात बन जाए। सिपाही ने चेनसॉ लेते हुए कहा, नहीं इससे बात नहीं बनेगी, ये तो बर्तन से भी बड़ी है। क्या आपके पास किसी तरह का अनाज है? हाँ हाँ, मेरे पास अनाज है, बूढ़ी विच ने खुश होकर कहा। तुम यही रुको सिपाही, मैं अभी लाती हूँ। फिर उन्होंने बर्तन में अनाज डाल दिया। सिपाही ने उसे मिलाया, फिर चखा। ये तैयार है, उसने कहा। अपना चम्मच लाओ और चखो जो मैंने पकाया है, बटर लाना मत भूलना।
बटर से खाने में जान आ जाती है। फिर दोनों टेबल पर बैठे और दलिया खाने लगे। बूढ़ी विच उसे खाते हुए उसकी तारीफ किए जा रही थी। ओ प्यारे सिपाही, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ, तुमने इस बूढ़ी औरत की बहुत मदद की। मैंने इतना अच्छा दलिया पहली बार खाया। प्लीज मेरे लिए इसकी रेसिपी लिख देना, मैं आज के बाद कभी किसी और को नहीं खाऊंगी। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना ही खाऊंगी। मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, अच्छा खाना शरीर और आत्मा को सेहतमंद रखता है और वो बुरे लोगों को भी अच्छा बना देता है। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।